आपने स्मार्ट मीटर्स का दबदबा आपने पूरे कश्मीर में मचा के रख दिया था कि स्मार्ट मीटर्स लगेंगे तो स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये है कि आप 90% स्मार्ट मीटर्स लगा चुके हैं लेकिन 90% स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गायब है। मैं आपके चैनल के माध्यम से PDD के जो आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब, जो आप मीडिया में फोटोशूट के लिए या वीडियोग्राफी के लिए जो दावे करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे देंगे, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी होंगे, आपके लिए बेहतर है कि बजाय फोटोशूट करने के आप ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करें उन सब चीज़ों को, ताकि यहाँ के लोगों को जो है आसानी मिले। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, जो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए उस वक्त ये कहा गया कि स्मार्ट मीटर्स लगाने के बाद 24 घंटे लाइट रहेगी। अगर इन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाए तो इनको स्मार्ट तरीके से फिर लाइट भी छोड़नी चाहिए थी, जो लाइट हम देखते ही नहीं है। स्मार्ट मीटर्स इन्होंने लगाए जिसमें आपने देखा काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि जो गरीब आवाम थी वो बिल पे नहीं कर पाती थी। उसके लिए हमारे LG साहब ने कहा कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उनकी जो बिल है उनको वो फराहम की जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए, लाइट है कहाँ? अगर इन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाए तो लाइट क्यों नहीं है? फिर स्मार्ट मीटर्स को लगाने का क्या फ़ायदा है? क्या विंटर आने वाला है? जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, उनको तो पता ही है, चाहे वहाँ मीटर्स लगे हैं नहीं लगे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ तो पहले भी बिजली नहीं थी। पहले तो आपने सुना ही होगा, एक स्लोगन दिया गया था, हर घर बिजली, ये भी आपने सुना होगा, हर घर पानी। लेकिन वो हर घर पानी, हर घर बिजली हुआ कब? यहाँ पर हुआ कब? मीटर्स लगाए, लाइट कहीं नहीं है, लोग परेशान हैं। देखिए जी, मैं ये बता दूंगा आपको, रही बात इलेक्ट्रिसिटी का मसला ये है, अभी कश्मीर में ये मसला हुआ है जी, जब से हमारे स्मार्ट मीटर्स हो गए तब से तो बिजली गायब ही हो गई। रही बात, हमने सोचा स्मार्ट मीटर आएगी तो 24 आवर तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, रही बात तो अब तो होती नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरे ख्याल से मैं इतना बताऊँगा तो ये जनरेट कैसे करेंगे? जो जो इनको जनरेट करना है पैसा, इनको लेना था हमसे, तो हमारे पास बिल तो कोई आएगी नहीं, तो जीरो बिल्स आएंगे। क्योंकि रही बात, हमारा अभी जी पीक सीज़न है, पीक सीज़न है, देखो अभी है हमारा हार्वेस्टिंग सीज़न है, हमें सी स्टोर में भी स्टॉक डालना है, तो कैसे वो चलेगा? पावर ही नहीं वहाँ से है, तो क्या बनेगा? जो फैक्ट्री भी पड़ी है, और रही बात जैसे हम घर जाते हैं घर में भी पावर नहीं होता है, तो सीधे बता दीजिए हमें क्या करना, तो करना क्या है? अगर आप स्मार्ट मीटर आपने लगा दिए, वेलकम, हर एक जगह आप स्मार्ट मीटर लगा दिए, मगर पावर भी दीजिए। ये जनाब हिसाब ही नहीं होता है, पावर तो हम देखते हैं, अब पावर की और पीछे रहते हैं, अब पावर कब आएगा? अब रही बात, पिछले सालों से भी पानी कम आता था, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है, अब पानी नहीं आ रहा है ऐसा, ये अब बिजली नहीं उठेगी, नहीं क्यों नहीं उठेगी? उठेगी, आजकल तो गैस टर्बाइन्स है, कोल काट रहा है, मगर ये बात आप पता नहीं स्मार्ट मीटर से इनको क्या समझ नहीं आ गया, ये लॉस में आ गए या प्लस में आ गए? रही बात, हम सफ़र हो रहे हैं, आम जनता सफ़र हो रही है, आज से हम आजकल हम स्वेटर लगा रहे हैं, तो रही बात विंटर्स में तो हम तो रही बात जो भी जब नहाते हैं तो ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे, तो गर्म पानी तो होना चाहिए, गीजर 1 घंटा 2 घंटा तक चलना चाहिए, अब तो है ही नहीं पावर, हार कश्मीर तो विंटर से ही जाना जाता है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ MD साहब से, प्लीज़ आप देखिए, आम जनता सफ़र हो रही है, प्लीज़ इसमें कटौती कम कीजिए, हमको इलेक्ट्रिसिटी दीजिए।